हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन्स के बीच जो ये मैच T20 वर्ल्ड कप का मैच होने जा रही है, मैच नंबर 21 है जो कि आज खेला जाने वाला है। ठीक है, ये मैच कहाँ पे होगी, पिच रिपोर्ट कैसे होने वाला है, वेदर रिपोर्ट कैसे होने वाला है, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। साथ ही कौन से प्लेयर को अपने टीम में रखना है, किसको ड्रॉप करना है, ये भी यहाँ पे बात करेंगे। वेदर रिपोर्ट कैसे होने वाला है, ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये मैच कहाँ पे होने जा रही है। तो ये मैच जो है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने जा रही है। यहाँ की पिच रिपोर्ट की बात करें तो पिच जो है यहाँ पे बैलेंस होने वाला है और यहाँ पे वेदर रिपोर्ट जो है क्लियर रहने वाला है। टोटल मैचेस 102 हुए जिसमें से 51 मैचेस जो है बैटिंग फर्स्ट करने वालों ने विन करें, बॉलिंग फर्स्ट करने वालों ने भी 51 मैचेस विन करें, तो यहाँ पे बराबर है, आप देख सकते हैं बॉलिंग और बैटिंग विनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी टॉस विन करेगा, टॉस विन करने के बाद जो है बैटिंग फर्स्ट करने का निर्णय करेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं हाईएस्ट टोटल की, तो हाईएस्ट टोटल जो बने हैं 212 बने हैं 2 विकेट के नुकसान पे, और हाईएस्ट चेंज स्कोर की बात करें तो 184 बने हैं 8 विकेट के नुकसान पे। तो यहाँ 5 to 6 विकेट जो है आराम से गिर जाते हैं, तो हम एक एवरेज लेके चलेंगे कि यहाँ पे 7, 8, 9, 10 तक जो है विकेट गिर सकते हैं 7 विकेट तक। ठीक है, तो हम 7+ विकेट जो है लेके चलेंगे कि इतना विकेट गिर जाएंगे, और हम ऐसे ऑलराउंडर और बॉलर को सिलेक्ट करेंगे जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा विकेट निकाल के दे सकता है, और यहाँ पे बैटर्स ऐसे सिलेक्ट करेंगे जो हमें अच्छे खासे रन बना के दे सकता है। ठीक है, एवरेज स्कोर की बात करें तो एवरेज जो स्कोर है 90+ यहाँ पे आराम से बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स का प्रोबेबल प्लेयर। अब इसमें से जो हमारे लिए बेस्ट खेलेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम उसके बारे में बात करेंगे, तो ए गार्डनर को अपनी टीम में सिलेक्ट कर लेना है, ए सुदरलैंड को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, टीम एग्राथ को सिलेक्ट कर लेना है, जीवा रेहम को सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे बैथ मुने को सिलेक्ट कर लेना है। तो कुछ इस तरह से हो जाते हैं जो कि आपको अपने टीम में सिलेक्ट करना है। इनमें से किसको ड्रॉप करना है, तो यहाँ पे एलाइस पेरी को काफी रिस्क के साथ अपने टीम में सिलेक्ट करना है, या फिर आप दूसरे तीसरे टीमों में सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्रेस हैरिस को जो है काफी रिस्क के साथ सिलेक्ट करना है, या फिर दूसरे तीसरे टीमों में सिलेक्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हो जाता है, ग्रेस हैरिस और एलाइस पेरी को आप यहाँ पे रिस्क के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा एस मोलिनक्स, तो मोलिनक्स को आप अपने टीम में सेलेक्ट करेंगे, और एम सक को अपने टीम में सेलेक्ट करेंगे। तो कुछ इस तरह से जिसको हमने सर्कल कराया है उस प्लेयर को आपको अपने टीम में सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा साउथ अफ्रीका का प्रोबेबल प्लेयर। अब इसमें से अपने टीम में किसको सिलेक्ट करना है, तो चलिए जानते हैं किसे अपने टीम में रखना है, किसे ड्रॉप करना है। तो एम के आपको अपने टीम में सिलेक्ट करना है, यहाँ पे टी ब्रिस्ट को सिलेक्ट करना है, लॉरा उलवर दत्त को तो सिलेक्ट करना ही करना है। ठीक है, और कैप्टन वाइस कैप्टन कर लेना है एक टीम में, और एम कैप को भी कैप्टन वाइस कैप्टन कर लेना है, और यहाँ पे सी ट्रियंस को अपने टीम में सिलेक्ट करना है, एंडे क्लार्क को सिलेक्ट कर सकते हैं, एस जप्ता और एन मलाबा। ठीक है, तो एन मलाबा को अपने टीम में जरूर से जरूर सिलेक्ट करेंगे, साथ में कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना लेंगे। आपके लिए काफी बेस्ट होगा कि एन मलाबा को अगर आप कैप्टन बनाते हैं तो ये आपको अच्छे खासे यहाँ पे विकेट निकाल के दे सकते हैं। ठीक है, ए डार्कसन है जो कि आपको अच्छे खासे खेल के दे सकते हैं, लेकिन ये आपके रिस्की प्लेयर हो जाते हैं, इनको आप काफी रिस्क ले रहे हैं तभी सिलेक्ट करें, नहीं तो इनको जो है ड्रॉप करके चल सकते हैं आप। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हो जाता है जिसको अपने टीम में आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप 5 से 6 टीम बना रहे हैं तो आप आराम से यहाँ पे जीएल विन करके जाने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे टेलीग्राम चैनल का यूजर आईडी जो है @IndianYouTuberDeepakGM है, इसे आप अपने टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लें। यहाँ पे बिल्कुल फ्री में आपको टीम दी जाती है और वीडियो अपडेट आपको मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे विनिंग प्रोबेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे जो है 40% चांसेस है साउथ अफ्रीका के, और 60% चांसेस है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की रिसेंट मैचेस की बात करें तो यहाँ पे जो है 5 में से 5 मैचेस विन करके रखे हुए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 मैच विन करके रखे हुए 5 मैच है। ठीक है, साउथ अफ्रीका ने तो हेड टू हेड मैचेस की बात करें तो 7 मैच जो है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने विन करे और 1 मैच जो है साउथ अफ्रीका ने विन करे, तो ये मैच ऑलरेडी जो है साउथ अफ्रीका हार चुकी है पहले ही। ठीक है, ये मेरी प्रिडिक्शन है, साउथ अफ्रीका ये मैच हारने वाली है और ये मैच हार के ही जाएगी, ऑस्ट्रेलिया ये मैच विन करके जाने वाली है। जैसे आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा टीम, इस टीम में जो है आपको मिल जाता है कैप्टन वाइस कैप्टन, तो सुदरलैंड और एंड मलाबा को हमने कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया हुआ है जो कि हमारे फर्स्ट टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार हो जाता है। ठीक है, गार्डनर और जीवा रेहम को बना सकते हैं, ये आपके सेकंड टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार हो जाता है। थर्ड टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा गार्डनर और एम कैप। ठीक है, ये आपके थर्ड टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार हो जाता है। आप उलवर दत्त और यहाँ पे टी ब्रिस्ट को बना सकते हैं जो कि आपके हो जाते हैं यहाँ पे फोर्थ टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन। बैथ मुने और यहाँ पे गार्डनर के साथ जा सकते हैं,
जो कि आपके फिफ्थ टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन हो जाते हैं, और यहाँ पे जो है एन मलाबा है और यहाँ पे एम सट है, तो इन दोनों को भी कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। ये आपके सिक्स टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन हो जाते हैं एम सट और मलाबा, ठीक है, तो इन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसे पॉज करके देख सकते हैं। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक से और कमेंट करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।